नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा में विधायकों की घटिया करतूतें, मीडिया के आईने से जनता को दिखाने का सीधा मतलब है कि विधायक के गुंडे आपकी आवाज दबाएंगे, लेकिन जनता की आवाज को भला ये भ्रष्ट विधायक कैसे दबा पाते, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आम जनता की आवाज उठाने और निष्पक्ष पत्रकारिता का ये नतीजा है कि सिमरिया के विधायक बौखलाए हैं। इन्हें समझना चाहिए कि अब इनकी पोल खुलने लगी है। क्षेत्र की जनता पर हो रहे अत्याचारों की साफ तस्वीरें दिखाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। शिवराज सरकार में उनके विधायकों ने जो दादागिरी पत्रकारों के लिए दिखाई है, उस पर आम जन का आक्रोश सामने आने लगा है। आपको याद होगा, बीते शनिवार को विराट न्यूज की वैन पर सिमरिया विधायक के गुर्गों ने हमला करते हुए न्यूज वैन पर लाठियां बरसाईं। इसके साथ ही न्यूज वैन के ड्राइवर को जमकर पीट दिया। हमारी आवाज को दबाने वाले ये भूल रहे हैं कि हम जनता की आवाज है, हमको दबाइएगा तो दबा दिए जाइएगा। खैर, सर्व समाज सेवा के पदाधिकारियों ने विराट न्यूज की वैन पर हुए हमले के खिलाफ कलेक्टर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यालय आप लोग आए, क्या मांग थी, काहे के लिए आए? मांग हमारी यहाँ पर दो प्रकार की मांग थी। अभी दो दिन पहले हमारे पत्रकार महोदय जी के वैन में सीमा क्षेत्रीय विधायक द्वारा हमला किया गया। कोई भी क्षेत्र की अगर समस्या उठाता है तो या तो विधायक जी, जो क्षेत्रीय विधायक केपी त्रिपाठी जी हैं, उनके ऊपर या हमला करवा देंगे या उनके ऊपर फर्जी तरह से FIR करवा देंगे। और कुछ उदाहरण है जिनके? उदाहरण है, हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनके ऊपर प्रमोद शर्मा जी के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया। हमारे ऊपर भी मैंने भी जनता जनार्दन की आवाज़ उठाई तो उसमें भी हमको फर्जी तरह से मुकदमे में फंसाया गया है। यहाँ पर मैंने आवेदन दिया जिसमें चार लोगों को दोषी पाया गया है, लेकिन दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक है हमारे मृत्युंजय पाठक, जो सिमरिया विधायक के रिलेटिव में आते हैं, उन्हीं का दोष दिखाकर वो काफ़ी पंचायत में भ्रष्टाचार मचाए हुए मनो क्षेत्र में इस तरह का माहौल बचाए कि जो भी जनता के समक्ष आवाज़ उठाता है तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक है या तो उनके ऊपर फर्जी मामला दर्ज करवा देंगे या तो अपने आदमियों द्वारा उनके ऊपर आक्रमण करवा देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या बात? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी इस तरह के घटना करते हैं, जो ऐसे भ्रष्ट विधायक है, उनके विधायक के गुंडों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और सिमरिया की जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के विधायक को अब कभी जनप्रतिनिधि के रूप में ना चुने। 3 दिन हो गया, CCTV फुटेज नहीं निकलवा पाई पुलिस, क्या लगता है शासन प्रशासन दबाव में? भाई बिल्कुल दबाव में रहते, इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, इसलिए शासन प्रशासन सब इन्हीं के इशारे से चल रही है। आपके ऊपर भी चोरी का मामला दर्ज करा दिया था, आवाज उठाई, तो वो क्या मामला? वो ये मामला था कि मैंने अपने पंचायत की जाँच करवाई थी तो जाँच में एक उनका रोजगार सहायक भांजा था, वो भी फंसा था, तो इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर पहले हरिजन नेट लगवाना चाहते थे, 76 लगवाना चाहते थे, जब वो नहीं लगा तो फिर हमारे ऊपर एक बोरी चोरी का मामला दर्ज करवा दीजिए विधायक जी। कुल मिलाकर जो आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज़ उठाता है, जो सामाजिक कार्य करता है, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। उनके आदमी एक विधायक प्रतिनिधि जयराम सिंह जी हैं जो मनरेगा की मजदूरी लेते हैं। और आगे किस तरह से लड़ाई आप इसके खिलाफ? आगे हम लोगों की लड़ाई निरंतर रहेगी। हम लोग अपने ग्रामीण वासियों को, अपनी सिमरिया की जनता जनार्दन को न्याय दिलवाऊंगा और जो भी शासन प्रशासन के लाभ है वह अपने जनता जनार्दन के बीच तो में मिले। गाड़ी पर हमला करवाया गया तो क्या लगता है कि वहाँ की जो समस्या उठाई रही जा रही थी, जरमोरा बांध उठाई जा रही थी, उससे आक्रोशित होकर हमला करवाया गया? बिल्कुल है वो भाई, चूंकि जो सच्चाई थी तो जो विधानसभा में अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हाल है। किस तरह से? जिस तरह की जब राजा चोर हो जाए तो उस राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा होता है, उसी तरह होता है। जिस तरह भारतीय सर्व सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष सनी समदरिया जी ने सिमरिया विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाया था, तो उससे दुखी होकर, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामा जी कहते हैं, भ्रष्टाचार के मामा जी हैं केपी त्रिपाठी जी सिमरिया विधानसभा के, जो सलगे सरपंच सेक्रेटरी को संरक्षक देते हैं और संरक्षक के साथ में उनको पूरी तरीके से शोषण करते हैं, जनता का प्रशासन की जो योजना है वह ग्रामीण वासियों तक नहीं पहुँचाते हैं। दूसरी बात, हमारी संगठन सच्चाई के, हम माँ भारती के सपूत हैं, हम सभी लोग, हम लोग किसी भी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं रखते हैं। जो गलत करेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, या चाहे थानेदार हो, चाहे कोई भी हो, हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारा अगर दुश्मनी है तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले से है, हमारा अगर दुश्मनी है तो भ्रष्टाचार करने वाले से, क्योंकि जनता में त्राही त्राही मची हुई है।
यहाँ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अगर मीडिया के लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ और मीडिया के भाई आवाज़ उठाए तो उनके ऊपर हमला किया गया। ऐसे देश का चौथा स्तंभ है, अगर देश का चौथा स्तंभ अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इसलिए भारतीय सर्वसेवा संगठन इसका विरोध करती है, हर जगह भारतीय सर्वसेवा संगठन इसका आवेदन दिया है, और अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो भारतीय सर्वसेवा संगठन रीवा में धरने पर बैठेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। भ्रष्टाचार उजागर करने वाली खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।